हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशा स्कूल ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बिना प्याज लहसुन पनीर मसाला रेसिपी और बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप टेस्ट। इस टाइप की रेसिपी आप व्रत वगैरह में बना के खा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आगे टिप्स देने वाली हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। विदाउट ओनियन एंड गार्लिक लेकिन रेस्टोरेंट टाइप टेस्ट जैसा पनीर मसाला को आप तावा रोटी के साथ या फिर नान के साथ किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। पनीर मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम पनीर। तो पनीर को हम पहले क्यूब शेप में छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। पनीर को हमने क्यूब शेप में काट लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन सरसों का तेल से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम उसके बाद पनीर डाल रहे हैं, लेकिन पनीर डालने से पहले हम तेल को बहुत एकदम से गर्म कर लेंगे जैसे कि उसमें से हल्का सा धुआं निकले। हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कलर आ जाए, इस तरह हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, उतना ही हमें इसको फ्राई करना है। इसलिए तेल एकदम से ज़्यादा गर्म हो तभी हम इसको पनीर को डालेंगे। देखिए यहाँ पर बस हल्का सा कलर आया है ऊपर से। पनीर को ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबर की तरह हो जाएगा, तो इसलिए हम हाई फ्लेम में थोड़ा सा ही इसको फ्राई करेंगे। पनीर को निकालने के बाद उसी तेल में हम ले रहे हैं एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक टुकड़ी दालचीनी एंड दो लौंग। उसको हमने तेल में डाल दिया है, दो लाल मिर्च डाल दिया है और एक इंच अदरक को हमने काट के डाल दिया है। इसके बाद हम डाले हैं 8-9 काजू डाल देंगे। वो सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करके इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में जितनी तेल बच गया है उसी तेल में हम ले लेंगे तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और फ्लेम को लो करके बिल्कुल इसको भूनना है, हल्का सा भून के। फिर हमने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज टमाटर जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, यहाँ पे डाल देंगे। अब हम फ्लेम को हाई करके टमाटर के मसाले को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर से बिल्कुल पानी सूख चुका है और मसाले बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम जो काजू के जो पेस्ट बना के रखा था उसको अभी डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पे देखिए मसाले से पानी धीरे धीरे सूख चुका है और मसाले जो है साइड से तेल भी छोड़ने लग गया है, तो मसाले हमारी भून के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि मसाला जो है थोड़ी सी ठंडा हो जाए। इसके बाद हमने 4 टेबल स्पून दही लिया है, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है, उसके बाद इस मसाले में हमने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करके अच्छे से इसको भून लेंगे। गैस को अभी हम ऑन करके लो फ्लेम में कुछ देर के लिए इसको भून लेंगे। इसके बाद कसूरी मेथी को हाथ से मलते हुए इसमें डाल देंगे ताकि उसके फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। और हमने जो कच्चा पनीर रखा था उसमें से हम 4 क्यूब अलग से रख दिए थे जिसको हम अभी ग्रेट करके डाल रहे हैं। तो मसाला भून चुका है और सारी दही को भी ज़्यादा भूनना तो है नहीं, तो मसाला बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितनी ग्रेवी की हमें ज़रूरत है हम उतने ही हम डालेंगे पानी।
हमने नमक अभी तक नहीं डाला था तो इसलिए हम स्वाद अनुसार अभी नमक डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में बॉईल भी आ गया है तो पनीर को भी हम डाल देंगे। सारे पनीर को डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए हम लीड बंद करके इसको बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट के बाद लीड हमने खोल दिया है। अब पनीर मसाले की खुशबू जो है सारे घर में फैल चुका है। अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच घी। इससे सब्जी में टेस्ट और टेक्सचर दोनों में काफ़ी फर्क पड़ता है। ये मेरा पहला टिप्स। यहाँ पे डालेंगे 1/3 स्पून चीनी जो कि हमने डाला है दही और टमाटर सारी चीज़ों को बैलेंस करके, ये टेस्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देगा। तो सब्जी बन चुकी है तो हम इसको अब बॉल में निकाल रहे हैं। सब्जी को टेस्ट करने के बाद ही मैंने ये चीनी डाला था। ये वाला टिप्स मैं आपको भी बता रही हूँ तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। बस इतना ही चीनी हमें डालना है। तो दोस्तों पूजा और व्रत वाले दिन इस तरह का बिना प्याज लहसुन वाले पनीर मसाला ज़रूर बनाइए। मैं आपको बता रही हूँ इसकी जो खुशबू और इसकी जो टेस्ट है ना, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्याज लहसुन है ही नहीं। लास्ट में हम थोड़े से धनिया पत्ता और क्रीम से उसको गार्निश किया है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए कमेंट्स भी लिख दीजिएगा। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।